सो गाइस आज हम लोग करने वाले मोस्ट एक्सपेंसिव मास गेनर के बारे में बात। सो गाइस मैं बात कर रहा हूँ मसल टेक के मास टेक गेनर के बारे में। सो गाइस ये जो गेनर है गाइस बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका रेट बहुत ज्यादा हाई है। और गाइस ये प्रोडक्ट जो है कि मेरा बहुत ही खास रह चुका है और अभी तक भी खास है। और गाइस इसके बारे में कुछ हम बात करने वाले हैं मसल टेक मास टेक के गेनर के बारे में जो एक परफॉर्मेंस सीरीज है। सो गाइस इसके प्राइस की मैं बात करूं तो इसका जो प्राइस है 3 किलो का वो आपको 4,500 रुपए के आसपास मिलता है। सो इसलिए मैंने बोला कि ये काफी ज्यादा महंगा है। आप लोग बहुत सोचते होंगे यार इतना महंगा मास गेनर लेके फायदा क्या है, तो वो बात बिल्कुल भी सही है। बट गाइज अगर आप पैसे वेस्ट कर रहे हो तो ये अपना रिजल्ट भी वैसे ही देता है। सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में 3 बातें याद रख लेना पहले ही लेने से पहले। सो सबसे पहली ये बात कि गाइस ये जो प्रोटीन है मास गेनर है ये अगर आपको डायबिटीज है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2 पे अगर आप प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। नंबर 3 भाई अगर आपका बजट कम है तो एक बार लेके आप सोचेंगे कि मतलब हमारा वेट गेन हो जाएगा तो फिर अभी आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी मास गेनर आपको कंटिन्यू रन करना पड़ता है आपको गेनिंग के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं गेन मास गेनर यूज करते हैं 1-2 मंथ उसके बाद बंद कर देते हैं और वेट उनका फिर से कम होता है। ये सारा चीज जो है कैलोरी के ऊपर रहता है। अगर आपकी कैलोरी खाने से उतनी आ जाए तो आपको मास गेनर की लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम बात करने वाले इस मास गेनर के बारे में क्या इसको बाय करना चाहिए या नहीं। सो गाइस देखिए मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपका बजट बहुत ही बढ़िया है हाईएस्ट आपको पैसों की कमी नहीं है तो आप गेनिंग करना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हैं। बट एक चीज और, अगर आप 18 साल से कम है तो किसी मास गेनर को मत यूज करना, खास करके इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज्यादा प्लस है। और गाइस एक चीज और है कि ये प्रोडक्ट मेरा पर्सनल रह चुका है। 3 साल पहले की मैं बात करूं तो मैं 3 साल पहले भी इसको यूज कर रहा था। अभी तो मैं फिलहाल यूज नहीं करता क्योंकि मेरा वर्कआउट, जैसे मैंने आपको बताया हर वीडियो में मैं आपको बोल देता हूँ यार, तो वर्कआउट नहीं स्टार्ट है इसलिए मैं अभी थोड़ा वीक लग रहा हूँ। चलो कोई नहीं, हो तो गेनिंग मैं कर सकता हूँ। तो गाइस इस प्रोडक्ट को मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि अगर कोई किसी का हाइस्ट बजट है वो इसको ले सकता है। इसके अंदर आपको हर एक चीज मिल जाती है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और पहले इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, क्या इसको आपको लेने का कोई फायदा है। सो गाइज ये है हमारा मसल टेक का परफॉर्मेंस सीरीज तो मास टेक। सो गाइज इसमें 3 तरह के वेरिएंट आते हैं। ये सबसे हाईएस्ट वाला है, एक इसमें एक्सट्रीम करके आता है जो एक्सट्रीम 2000 के 100 के आसपास ऐसा कुछ लिखा रहता है उसके ऊपर, बट वो थोड़ा सस्ता रहता है। तो ये 3 kg है 7 lbs के ऊपर। सो गाइज इसकी ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे 18 ग्राम प्रोटीन है, यहाँ पे 80 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। एक सर्विंग के अंदर 156 ग्राम तक यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है। और नेक्स्ट गाइज यहाँ पे एक सर्विंग के अंदर आपको 1000 कैलोरी मिल जाती है। गाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा कैलोरी है और कितने स्कूप है वो भी मैं आपको जल्दी ही बता देता हूँ। सो एक सर्विंग के अंदर यहाँ पे देखिए 17 ग्राम तक BCAA मिल जाता है, 8 ग्राम लूसीन मिल जाता है और 10 ग्राम क्रिएटिन भी मिल जाता है। सो गाइस देखिए ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। ज्यादा मतलब क्योंकि इसके अंदर चीजें भी वैसी लोड की गई है। तो बाकी इसकी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर लेता हूँ मैं तो आपके साथ। तो यहाँ पे सर्विंग साइज आप देख सकते हैं, सो गाइस इसकी जो है 5 स्कूप की 233 ग्राम तक है। सो देखिए गाइज इसकी एक सर्विंग है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि एक सर्विंग के अंदर यहाँ पे आपको अगर मिल्क के साथ आपको जो लेते हैं तो इसका जो आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिल जाता है। तो विदाउट अगर वाटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये वाटर का है और यहाँ पे मिल्क के साथ है, तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर अगर वाटर के साथ लेते हो तो आपको एक टाइम में सर्विंग जो मिलेगी 8:30 तक मिलेगी, तो मिल्क के साथ आपको इंक्रीजेस ज़्यादा मिल जाते हैं। तो बाकी की सब डिटेल्स जो है मैं फिर भी आपके साथ शेयर ही कर देता हूँ। अगर 1 सर्विंग की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे दूध की कैलोरी के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे वाटर की तो आपको दिख ही रही है। सो गाइस देखिए कैलोरी एक स्कूप के अंदर आपको 1000 के आसपास मिल जाती है। फैट 50 ग्राम तक है और गाइस यहाँ पे टोटल फैट जो 6 ग्राम तक है, सैचुरेटेड फैट 4 ग्राम तक है, कैलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर 170 मिलीग्राम तक आपको मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट 156 ग्राम तक है और फाइबर भी मिल जाते हैं। देखो गाइज अगर आपको डाइजेस्टिंग का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फाइबर भी आपको मिल जाता है 3 ग्राम के आसपास। शुगर यहाँ पे गाइज आपको ज्यादा मिल जाती है, इसलिए मैंने बोला कि ये डायबिटीज वालों के लिए या शुगर जिनकी प्रॉब्लम है शुगर का उनके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन की मैं बात करूँ तो पानी के अंदर आपको 63 ग्राम तक मिलता है और दूध के अंदर आपको 80 ग्राम के आसपास मिल जाता है। कैल्शियम भी मिल जाता है, आयरन, सोडियम। सो ये गाइज ये सब चीजें हैं जो इसके अंदर आपको मिल जाती है। लूसीन और बीसीए जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर आपको मिल जाए। इंग्रेडिएंट्स में लिस्ट बहुत तगड़ी है,
देखिए तीनों तरह के प्रोटीन यहाँ पे आपको इसके इंग्रेडिएंट्स में देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वे प्रोटीन कंसंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड, तीनों तरह के कैटेगरी के प्रोटीन जो है इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो गाइस देखिए इंग्रेडिएंट्स की इनकी लिस्ट है जो मैं अभी आपके साथ शेयर की है, बट ज़्यादा मैं इसकी डिटेल्स नहीं देता हूँ क्योंकि इसको मैंने यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले से। तो गाँव और इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूँ तो यहाँ पे एम पी एन मसल प्रो न्यूट्रिशन इनका डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब जो इसको सेल करता है जो। सो इंडिया का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है ये। सो गाइज एक चीज का और बात का ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट का हो सकता है कि आपको फेक वेरिएंट मिल जाए, कहीं ना कहीं पे आपको फेक प्रोडक्ट मिल सकता है। उसको स्कैन करने का भाई ना तो कोई तरीका है ना कोई कुछ, बस थोड़ा ध्यान से बाय करना क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इतने पैसे का बहुत कुछ कर सकते हैं हम अगर इस गेनर को ना ले तो। बट ठीक है, अगर बजट अच्छा खासा है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अपना वर्क वैसा कर देता है। सो गाइस देखिए लुक लाइक, मतलब जो इसकी पैकिंग है बहुत ही अच्छी है क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो मिल्क चॉकलेटी फ्लेवर है मेरे पास, आप चाहे तो जो बहुत सारे इसके जो आपको फ्लेवर है मिल जाते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। सो गाइस ये थी इसके बारे में कंप्लीट वीडियो। देखा जाए तो एक कंप्लीट मास गेनर है, और गाइस ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी गेनिंग करता है, ये आपकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है, और गाइस प्लस ये आपके साइज को अच्छा खासा गेन करता है, खास करके आपके बाइसेप और चेस्ट को। सो गाइस देखिए, अगर इसका प्राइस ज्यादा है तो ये अपना वर्क भी वैसा करता है। और मैं फिर से एक बार चीज बोल दूं कि आप 18 साल से कम है तो इस प्रोडक्ट को बिल्कुल मत यूज करना उनके लिए, ये मैं किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बोलूंगा यूज करने के लिए। 18 प्लस हो तो आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। और गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।